नमस्कार दोस्तों, आज है 1 फरवरी 2020 और आज हमारा यूनियन बजट प्रेजेंट हुआ है। इस यूनियन बजट की जो मेन हाइलाइट्स है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और जो भी इनकम टैक्स रिलेटेड नए चेंजेस आए हैं और ये प्रोविजंस आपको किस प्रकार प्रभावित करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो जानने के लिए सारे मेन हाइलाइट्स बजट 2020 के जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त अशोक कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। तो 1 फरवरी 2020 को हमारी पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज बजट प्रेजेंट किया है और ये जो बजट प्रेजेंट किया है इसके हाइलाइट्स मैं आपको दिखाऊंगा। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की लिस्ट हमारे सामने प्रेजेंट की गई आज सुबह 11 बजे और जिसके अंदर कुल मिला के 30.42 लाख करोड़ का खर्चा करने का प्रावधान बनाया गया। ये सारे खर्चे किए जाएंगे इस बजट में और देखा जाए तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी भरमार सुबह देखने को मिली प्रोजेक्ट्स की, बहुत सारे पैसों का आवंटन करने की, लगभग लगभग सभी सेक्टर्स की बात की गई, सभी सेक्टर्स में खूब जी भर के एक्सपेंस करने की सरकार ने अपनी मंशा दिखाई। तो आइए देखते हैं क्या है मेन हाइलाइट्स इस बजट की। ये है यूनियन बजट 2020 की कुछ मेन हाइलाइट्स। लगभग लगभग मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सारे हाइलाइट्स मैं आपके सामने बहुत ही प्रेसाइज रूप में रख सकूं। अब इन सब के बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, नहीं तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कुछ जो मेन है उनकी बात मैं यहां पर जरूर करूंगा। इस बार बात की गई है कि जो नॉमिनल जीडीपी रेट होगा, ग्रोथ रेट होगा भाई, वो होगा 10%। अब मैम ने ये नहीं बताया कि ये 10% किस तरह से अचीव किया जाएगा, तो ये तो फिलहाल एक सपने की जैसा ही लगता है। खैर हम आगे बढ़ते हैं। और जब इस 10% की जीडीपी ग्रोथ की बात की गई थी तो थोड़ा सा हंगामा भी सदन में देखने को मिला। इसके बाद एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में उन्होंने बोला कि वो फार्मर्स के इनकम को डबल करने की इस बार बात कर रहे हैं, डबल हो जाएगी और जिसके लिए 1,60,000 करोड़ रुपए का इन्होंने प्रावधान रखा है। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो इस पर काफी समय से बात चल रही थी, स्कूल और जो कॉलेज के टीचर्स थे वो लोग इसके बारे में काफी जानने को उत्सुक थे कि कब आएगी, तो इसकी अनाउंसमेंट भी मैम ने इस बार कर दी है। नई एजुकेशन पॉलिसी जिसके ऊपर 99,300 करोड़ रुपए खर्च करेंगे और इसमें एक खास बात यह है कि इसके अंदर अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगा। न्यू 5 नई स्मार्ट सिटीज बनाएंगे जिसके लिए 6,450 करोड़ रुपए का इसके अंदर प्रावधान रखा है और अब आपके घर में नए प्रीपेड इलेक्ट्रिक मीटर लगेंगे, यानी कि अब इस तरह से नहीं होगा कि कोई बंदा आता है और रीडिंग करके जाता है फिर उसके बेस पर आपका बिजली का बिल बनता है। अब आप उसको रिचार्ज कराइए जैसे आप अपने फोन का सिम कार्ड आप रिचार्ज कराते हैं, जितना आप रिचार्ज कराएंगे उतनी आपको बिजली मिलेगी। फिर 10 बैंक हैं, नाम नहीं बताए, वो डिटेल्स जब आएंगी तब चीजें पता चलेंगी और देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो डिटेल्स आने पर ही पता चलेंगी। तो 10 बैंक ऐसे हैं जिनको मर्ज करके मिला के 4 बैंक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। एक और इसी तरह से स्टेप लिया गया था पिछली बार भी। फिर इसके बाद आगे चले तो 100 नए एयरपोर्ट बनाने की इस बार कोशिश है, 150 नई ट्रेन बनेंगी और ये प्राइवेट सेक्टर की हेल्प से बनेंगी, ये प्राइवेटली बनेंगी। 72,216 करोड़ इसके लिए रखे गए हैं। फिर एक और बिल्कुल नया देखने को मिला, बहुत ही अच्छा, पॉल्यूशन, हवा को साफ करने के लिए इस बार सरकार 4,400 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है, साफ हवा की जैसे कि हमको बहुत ही ज्यादा जरूरत है। फिर जो हमारे स्पेशल लोग होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं और सीनियर सिटीजन हैं, उनके लिए 9,500 करोड़ रुपए का इस बार पैसा रखा है। फिर 370 जम्मू कश्मीर से हटाई थी तो अब उसको भी थोड़ा सा रिवाइव करने की जरूरत है, जिसके लिए 30,700 करोड़ रुपए लगभग रखे गए हैं। और एक बहुत बड़ा चेंज आया है बैंकिंग सेक्टर में, जिस तरह से विश्वास
की कमी हो रही थी लोगों की, और एक न्यूज जो काफी हद तक चोट करने वाली थी लोगों के लिए कि जितना पैसा उन्होंने बैंक में रखा है उसका सिर्फ 1 लाख रुपए ही इंश्योर्ड है, मतलब सिर्फ 1 लाख रुपए की गारंटी है, उसके ऊपर पैसा जितना भी रखा है बैंक में उसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर बैंक करप्ट हो जाता है, अगर बैंक दिवालिया हो जाता है तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही मिलेंगे, उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो इस बार सरकार ने इस लिमिट को बढ़ाकर 5 लाख कर दी गई है। अब आपका 1 लाख के बजाय 5 लाख रुपया इंश्योर्ड है, 5 लाख रुपए की आपकी गारंटी है कि वो तो आपको वापस मिल ही जाएगा अगर बैंक दिवालिया होता है तो। फिर इसके बाद एक और डिवेस्टमेंट, अब सरकार दो उपक्रम और है, सरकारी उपक्रम और है जिन्हें बेचने जा रही है, जिसमें उनकी जो हिस्सेदारी उसे बेचने जा रही है IDBI और LIC। इससे पहले भी सरकार और सरकारी उपक्रम में अपनी हिस्सेदारी बेच चुकी है। फिर 1 लाख ग्राम पंचायत है जिनको फाइबर कनेक्टिविटी के थ्रू जोड़ा जाएगा एक दूसरे से, जिसके लिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और अंत में कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है 2 प्रोडक्ट्स पर, एक है शूज जूते और दूसरा है फर्नीचर, इनके ऊपर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई है। तो अब सीधी सीधी सी बात है, इंपोर्टेड शूज और फर्नीचर महंगे होने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, जिसने बिल्कुल एक तरह से आग लगा दी है फिलहाल न्यूज चैनल्स पर, इनकम टैक्स स्लैब। इनकम टैक्स स्लैब जिसके बारे में सब जानना चाहते हैं कि भाई अब आखिर हमारी इनकम के ऊपर कितना टैक्स जाने वाला है। अब इसके अंदर जो चेंज ये लेकर आए हैं बिल्कुल अलग ही तरह का चेंज है, इस तरह का चेंज कभी भी भारत के अंदर नहीं देखा गया है। चॉइस के ऊपर इस बार बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो अब आप ये मान लीजिए अब आपके सामने 2 टैक्स स्लैब एक साथ चलेंगे, ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि भारत के अंदर 2 टैक्स स्लैब एक साथ चलेंगे। आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आप पिछले वाला टैक्स स्लैब ऑप्ट करना चाहते हैं या फिर नया वाला टैक्स स्लैब ऑप्ट करना चाहते हैं। आइए बात करते हैं, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। आपका हम पहले वाला टैक्स स्लैब देख लेते हैं जो था अभी तक आपके, जैसे प्रीवियस ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 20-21 के लिए, तो जो पिछले वाला था वही अब भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि पिछले वाला इरेडिकेट हो जाएगा, हट जाएगा। तो 2.5 लाख रुपए तक इनकम पर 0 आपका परसेंट टैक्स था, 2.5 से 5 लाख पर 5%, 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर 30% का टैक्स दे रहे थे। फिर इसके साथ अगर आप चाहें तो टैक्स प्लानिंग करके डिडक्शंस का इस्तेमाल करके बेनिफिट्स उठाकर, जो कि लगभग 70 तरह की डिडक्शंस बनती हैं, उनका फायदा उठाकर आप अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर सकते थे। और इस पर भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप चाहे तो वहां पर इसकी कैलकुलेशंस भी देख सकते हैं, उसके अंदर देंगे तो अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक की बनती है तो उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं देना पड़ता। अब लेकिन अगर हम डिडक्शंस का इस्तेमाल कर लें तो जैसे 8-9 लाख रुपए तक की भी अगर आपकी इनकम हो जाती है तो उसको टैक्सेबल इनकम 5 तक ला के आप फिर से उसके अंदर बिल्कुल टैक्स फ्री हो सकते थे, उस पर आपका टैक्स बिल्कुल भी नहीं लगता। ये मैंने कैलकुलेशन करके दिखा रखा है, लिंक मैं आपको दे देता हूं, आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन से भी आप आराम से देख लीजिएगा बाद में। तो एक तो आपका ये पुराने वाला सिस्टम है, ये अभी भी उपलब्ध है, पूरा का पूरा आपकी मर्जी है आप इस वाले के साथ जाएं या फिर अब ये जो नया वाला सिस्टम है आप इस पर जाएं। अब जो नया वाला सिस्टम है ये है आपके जैसे बिल्कुल अभी से स्टार्ट होता है, प्रीवियस ईयर 2021 के लिए और असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। मैं आपको ये पहले क्लियर कर दूं कि ये जो कुछ भी अब चेंज आया है तो ये 2021 प्रीवियस ईयर के लिए आया है, 2021 में जो आप कमा रहे हैं उसके ऊपर टैक्स देंगे 21-22 में, तो ये 2021 की इनकम पर अप्लाई होगा। अब इसमें क्या है, अब इसके अंदर बाइफर्केशन बहुत ज्यादा कर दी है, बहुत ज्यादा इसके अंदर ब्रेकअप्स कर दिए हैं। जैसे 2.5 लाख तक देना होगा 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक देना होगा 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक है 15%, 10 लाख से 12.5 लाख तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर देना होगा 30%। अब जो खास बात है वो ये है, अगर आप इस टैक्स स्लैब को फॉलो करते हैं तब आपको कोई भी डिडक्शंस, कोई भी एग्जम्पशन, किसी भी रिलीफ का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। जी हाँ,
नो बेनिफिट ऑफ एनी डिडक्शन। जो पिछले वाले सिस्टम में आपको लगभग 70 डिडक्शन का बेनिफिट मिलता था, आपको वो इस टैक्स लैब में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो अब आपके सामने चॉइस है, ये 100% ऑप्शनल है, आपके पास चॉइस है। आप पुराने वाले सिस्टम के साथ अपनी इनकम को टैक्स करना चाहते हैं या फिर नए वाले टैक्स लैब के साथ आप अपनी इनकम को टैक्स करना चाहते हैं, अब ये चॉइस आपकी है। एक छोटी सी बात और मैं इसके बारे में आपको कंपैरिजन करते हुए आपको दिखाता हूं। अगर आप पुराने वाले सिस्टम के थ्रू चलते हैं, डिडक्शंस आप इस्तेमाल करते हैं, जैसे बहुत फेमस है आपका एटीसी में आपने LIC करा रखी है, आप इंश्योरेंस प्रीमियम देते हैं और आपके लोन ले रखा है, लोन की प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन आपको मिल जाती है, तो इस तरह से वहां पर बहुत सारी है। और ये डिडक्शंस की भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन से उसको देख सकते हैं। तो वहां पर सारी डिडक्शंस वगैरह यूज करके आप लगभग 3,75,000 रुपए का अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए वाले टैक्स लैब में आते हैं तो यहाँ पर आप मैक्सिमम सिर्फ 75,000 रुपए तक ही अपना टैक्स बचा पाएंगे। तो मोटा मोटा देखा जाए तो अगर पुराना जो सिस्टम है वो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, क्योंकि वो आपको कहता है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा, और जो ये नया वाला टैक्स का स्लैब है ये कहता है आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए तब आपको इस नए टैक्स स्लैब का बेनिफिट मिलेगा। तो अब ये देखने वाली बात है कि लोग किस तरफ जाते हैं। तो इन शॉर्ट जो पुराना टैक्स स्लैब है वो आपको कहता है आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और आपको उसका बेनिफिट पूरा पूरा मिलेगा, और जो नया टैक्स स्लैब है वो कहता है आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, आप खर्चा कीजिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि मार्केट में पैसा आए। अब मार्केट में पैसा तो इन्वेस्टमेंट करने से भी आता है, आप ये इस बार कह रहे हैं कि नहीं आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए आप खर्चा कीजिए। तो अब ये भाई देखने वाली बात होगी कि जो टैक्स पेयर है वो पुराने वाले सिस्टम के साथ जाता है या नए वाले सिस्टम के साथ जाता है। लेकिन अगर मैं अपनी राय दूं एक सेंटेंस में, तो मुझे तो अभी तक पुराने वाला सिस्टम ही बेनिफिशियल लगता है, क्योंकि आप वहां पर इन्वेस्टमेंट भी करते हैं जिससे आपको इनकम भी होती है, आपकी लाइफ सिक्योर होती है, आपका फ्यूचर सिक्योर होता है, और यहाँ पर आपकी टैक्स सेविंग भी ज्यादा होती है। लेकिन जो नया वाला आपका टैक्स लैब है, ये मुझे लगता है कि सिर्फ उस तरह के पब्लिक क्लास के लिए ठीक है, जैसे कोई जो नए बच्चे आते हैं, नई नई उनकी जॉब्स लगती हैं, बहुत ज्यादा वो फ्यूचर सिक्योर करने में बिलीव नहीं करते हैं, वो बस पैसा उड़ाने में बिलीव करते हैं, पैसा खर्च करना चाहते हैं, हर चीज EMI पे खरीदते हैं और सिर्फ खर्चा करने में ही बिलीव करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए जो टैक्स लैब है नया वाला, ये थोड़ा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि वो खर्चा भी करेंगे और उनकी टैक्स सेविंग भी होगी। लेकिन बहुत ज्यादा मुझे ये सब कुछ देखने को बेनिफिट इसमें नहीं लगता है। अब आगे क्या होता है ये तो बताएगा आने वाला समय ही। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कोशिश, मैं जो आज बजट आया उसकी एक छोटी सी समरी आपके सामने रखूं। हो सकता है कुछ 1-2% जो डाटा है या बातें हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल आज ही ये बजट आया है, डिटेल्स बहुत ज्यादा इसकी अभी तक अवेलेबल नहीं है। जितना मेरे लिए संभव हुआ मैंने आपके सामने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखने की कोशिश की है। इसी तरह से जुड़े रहिए मेरे साथ, मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।